वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हाल ही में जो 18वें एशियन गेम्स कंप्लीट हुए हैं उससे रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट इवेंट हाल ही में कंप्लीट हुआ है, इससे आने वाली एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी हम लगाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, एशियन गेम्स की हम बात करते हैं तो एशियन गेम एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता होती है। ओके, हाल ही में 18वें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। 18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में यह आयोजन किया गया, कहां पर? इंडोनेशिया की 2 सिटी जकार्ता और पालेमबांग में। ध्यान रखिएगा, पूरे 67 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जहां पर 2 शहरों ने एशियाई खेलों की मेजबानी करी है। क्लियर। एशियाई खेलों का आयोजन जो होता है वो हर 4 साल में किया जाता है। सबसे पहले एशियाई खेल का आयोजन कहां पर किया गया था? भारत में किया गया था, भारत के नई दिल्ली में 1951 में इसका आयोजन किया गया था। साथ ही एशियाई खेलों को देखिए किस नाम से जाना जाता है, एशियाड के नाम से जाना जाता है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे फ्रेंड देखिए, हम बात करते हैं शुभंकर की, मैस्कॉट की। तो 18वें एशियाई खेलों में हमको 3 शुभंकर देखने को मिले हैं, जिसका नाम है भिन भिन, काका और अतुंग। भिन भिन एक चिड़िया है, काका एक गेंडा और अतुंग एक हिरण है। तो ध्यान रखिएगा, आमतौर पर सिर्फ एक ही मैस्कॉट देखने को मिलता है, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि हमको 3 मैस्कॉट यहां पर देखने को मिले हैं। पदक तालिका की देखिए आगे हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर जो पदक तालिका में रहा है देश, वो कौन सा रहा है? चाइना रहा है। चाइना ने 132 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर कितने जीते हैं? 92 और 65 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुल मिला के चाइना ने 289 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में पहले स्थान पर रहे चाइना। सेकंड नंबर पर रहे जापान, तीसरे नंबर पर रहे दक्षिण कोरिया। भारत की अगर बात करते हैं पदक तालिका में तो 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज के साथ में भारत जो है वो 8वें स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 18वें एशियाई खेलों में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? 8वां स्थान रहा है। चलिए, भारत के एशियाई खेलों में प्रदर्शन की बात करते हैं तो भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल कितने मेडल जीते हैं? 69 पदक जीते हैं, जिसमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। यह भारत का एशियाई खेलों के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला है। इससे पहले भारत ने 2010 में सबसे ज्यादा 65 पदक जीते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत ने 1951 में हुए एशियाई खेलों में भी 15 गोल्ड जीते थे, जिसकी बराबरी भारत ने 18वें एशियाई खेलों में आकर की। भारत की ओर से नीरज चोपड़ा ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक रहे हैं और क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कौन रही है? रानी रामपाल रही हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, हम बात करते हैं कि भारत ने किस खेल में कितने पदक जीते हैं, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे ज्यादा भारत ने एथलेटिक्स में पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं टोटल, जिसमें एथलेटिक्स में 7 गोल्ड शामिल हैं। शूटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 गोल्ड हमने जीते हैं। रेसलिंग की बात करते हैं तो 2 गोल्ड जीते हैं, ब्रिज में 1 गोल्ड, रोइंग में 1 गोल्ड, लॉन टेनिस में 1 गोल्ड जीता है और बॉक्सिंग में 1 गोल्ड जीता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो हमने मेडल जीते हैं वो किस इवेंट में जीते हैं? एथलेटिक्स में जीते हैं। क्लियर। इस एशियन गेम्स में बहुत से खिलाड़ी जो हुए हैं वो हाईलाइटेड रहे हैं, तो चलिए एक एक बार उन पर भी हम नजर डाल लेते हैं, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम कुश्ती की बात करते हैं तो बजरंग पुनिया का नाम आपने जरूर सुना होगा। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रहे, 18वें एशियाई गेम्स में भारत को सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया था? बजरंग पुनिया ने ही दिलाया है। सेकंड देखिए, विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। विनेश इसी के साथ भारत की पहली वुमेन रेसलर बनी है जिसने एशियाई गेम्स में गोल्ड जीता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हम बात करते हैं एथलेटिक्स से तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में नेशनल रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ में भाला फेंक में गोल्ड जीतने वाले वो देश के एकमात्र खिलाड़ी बने हैं। इसी के साथ एथलेटिक्स में शॉर्टपुट मतलब गोला फेंक में तजिंदर पाल ने गोल्ड मेडल जीता, 800 मीटर दौड़ में मंजीत सिंह ने और 1500 मीटर दौड़ में जिनसन जॉनसन ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये हमने एथलेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे। आगे देखिए दोस्तों, हम बॉक्सिंग की बात करते हैं तो 18वें एशियाई खेलों में भारत को बॉक्सिंग में एकमात्र गोल्ड मेडल मिला है। यह गोल्ड मेडल 49 किलोग्राम वर्ग में अमित पंघाल ने दिलाया। अमित ने फाइनल में
रियो ओलंपिक 2016 के गोल्ड मेडलिस्ट हसन बॉय को हराया है। तो ये चीज काफी ज्यादा हाईलाइटेड रही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं शूटिंग की। तो शूटिंग में देखिए, राही सरनोबत ने 18वें एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है और इसी के साथ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली राही एकमात्र महिला निशानेबाज बनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ दोस्तों, 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ सौरभ जो है देश के सबसे युवा एशियाई गोल्ड विजेता बने हैं। तो सबसे युवा एशियाड गोल्ड विजेता कौन बने हैं? सौरभ बने हैं, सौरभ चौधरी। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। सौरभ चौधरी ने 16 वर्ष की उम्र में ये गोल्ड मेडल जीता है। तो सबसे युवा एशियाड गोल्ड विजेता बने हैं सौरभ चौधरी। आगे देखिए फ्रेंड्स, 18वें एशियाई खेलों में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? जापान की 18 वर्षीय रिकाको इकी को मिला है। पूरे एशियाई गेम्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि यह अवार्ड किसी महिला को मिला है। उन्होंने 6 स्वर्ण और 2 रजत के साथ कुल मिलाकर 8 पदक अपने नाम पर किए हैं। तो 18वें एशियाई खेलों की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रही है? रिकाको इकी रही है। ओके, लास्ट में देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो अगला एशियाई खेल होने वाला है, 19वां एशियाई खेल जो आयोजित होने वाला है, वो कहां पर होने वाला है? चाइना में आयोजित होने वाला है। चाइना के हैंगजू में आयोजित किया जाएगा 19वां एशियाई खेल। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 18वें एशियाई खेलों से रिलेटेड मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इसी में से मिलना है। चलिए एक बार हम टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? कहां पर किया गया दोस्तों? इंडोनेशिया में 18वें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग, दो जगह पर इसका आयोजन किया गया। सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था 1951 में। ओके, तो यहां पर सी आंसर सही होगा। 1951 में भारत ने कुल मिलाकर कितने पदक जीते थे? 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 गोल्ड शामिल थे और भारत जो था वो पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था 1951 में। हाल ही में कौन से एशियाई खेलों का आयोजन किया गया? कौन से एशियाई खेलों का आयोजन किया गया? 18वें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया हाल ही में। 18वें एशियाई खेलों में शुभंकर मतलब मैस्कॉट की संख्या कितनी थी? कितनी थी फ्रेंड्स? 3 थी। भिन भिन, काका और अतुंग, ये 3 शुभंकर थे 18वें एशियाई खेलों के। 18वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा देश रहा है 289 मेडल के साथ में? चाइना जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। भारत का 18वें एशियाई खेलों में स्थान है, देखिए भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते हैं? 69 पदक जीते हैं कुल मिलाकर, जिसमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 18वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कितने जीते हैं? 15 गोल्ड जीते हैं। 18वें एशियाई खेलों में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? कौन रहे ध्वजवाहक? नीरज चोपड़ा रहे। ओपनिंग सेरेमनी में नीरज चोपड़ा रहे हैं और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन रहे हैं? रानी रामपाल। तो ये यहां पर हमारा देखिए बी आंसर सही होगा। भारत ने 18वें एशियाई खेलों में सबसे ज्यादा मेडल किस खेल में जीते हैं? सबसे ज्यादा मेडल भारत ने एथलेटिक्स में जीते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा मेडल किस में जीते हैं? एथलेटिक्स में जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 10 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो एथलेटिक्स में कुल मिलाकर भारत ने सबसे ज्यादा 19 पदक जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 2022 में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? चाइना में किया जाएगा, हैंगजू में। भारत को 18वें एशियाई खेलों में पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने दिलाया? देखिए, किस खिलाड़ी ने दिलाया था? बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता और भारत को सबसे पहला गोल्ड जिताया था 18वें एशियाई खेलों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की एकमात्र महिला रेसलर जिसने एशियाड खेलों में गोल्ड मेडल जीता है, कौन है? एकमात्र महिला रेसलर विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। 18वें एशियाई खेलों में बॉक्सिंग में भारत को एकमात्र गोल्ड किस खिलाड़ी ने दिलाया है? किसने दिलाया है? अमित पंघाल ने। अमित पंघाल ने 49 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। एशियाड खेलों में भारत की ओर से गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? सबसे युवा खिलाड़ी देखिए, पहले जो थे वो जसपाल राणा थे, पर हाल ही में अभी 18वें एशियाई खेलों में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है
और सौरभ जो है देश के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में भारत को गोल्ड दिलाया है। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, सौरभ चौधरी जो है वो शूटिंग से संबंधित हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की पहली महिला निशानेबाज जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है कौन है? राही सरनोबत। राही सरनोबत भारत की पहली महिला निशानेबाज हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। 25 मीटर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है। भारत के किस एथलीट ने 18वें एशियाई खेलों में पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? जिनसन जॉनसन ने। ध्यान रखिएगा मंजीत सिंह ने 800 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कराए जबकि जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर आंसर बी सही होगा। 18वें एशियाई खेलों में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? किसे दिया गया है? जापान की रिकाको इकिको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। खिलाड़ी सौरभ चौधरी जिन्होंने 18वें एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर है? देखिए कौन सा? काका। मैंने आपको बताया थे 18वें एशियाई खेलों में शुभंकर की संख्या कितनी थी? तीन थी। भिन भिन, काका और अतुंग, ये तीन शुभंकर थे 18वें एशियाई खेलों के। तो यहां पर सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, एशियाई खेलों में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने भारत को किस खेल में स्वर्ण पदक दिलाया है? किस खेल में दिलाया है? शॉर्ट पुट में, गोला फेंक में। गोला फेंक में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गेम्स रिकॉर्ड के साथ में स्वर्ण पदक हासिल करा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर हमारा टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। डेफिनेटली आपको क्वेश्चन इसी में से मिलना है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा।